नारा पप्पू यादव की हवा। कोई हवा नहीं है, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो पूर्णिया में एनडीए की आंधी है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। देखो ये एनडीए गठबंधन वाले आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मुझे नहीं पड़ना। पूर्णिया में जो 10 वर्षों में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पासपोर्ट कार्यालय से लेकर तमाम काम हुए हैं। आगे तीसरी बार सांसद बन जा रहा पप्पू यादव की हवा। कोई हवा नहीं है, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो पूर्णिया में एनडीए की आंधी है और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और पूर्णिया पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछले साले एक तरफ पप्पू यादव का कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बोलबाला है, फरिश्ता के रूप में निकले सर। यादव जी को कोई वोट नहीं मिलेगा, वक्त आएगा आपस में ही लड़ेंगे वो, चिंता नहीं कीजिए। महागठबंधन से उनकी लड़ाई है, एनडीए से उनकी लड़ाई नहीं है। एनडीए की चिंता ना करें, एनडीए गठबंधन इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतेगा। सर तेजस्वी कह रहे हैं कि इंडिया या एनडीए को जिता दो। कहा जा रहा है कि तेजस्वी एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। देखो ये एनडीए गठबंधन वाले आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है, वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मुझे नहीं पड़ना। पूर्णिया की जनता के लिए क्या विकास करेंगे आगे का, एयरपोर्ट की मांग? पूर्णिया में जो 10 वर्षों में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पासपोर्ट कार्यालय से लेकर तमाम काम हुए हैं। 2025 में पूर्णिया से वायु सेवा भी बहाल होगा। वायु सेना कर देंगे बहाल। मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो घुसपैठ है। देखिए वो घुसपैठ, जो अवैध घुसपैठ, निश्चित रोकेंगे हम लोग। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये संतोष कुशवाहा हैं, एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तीसरी बार मैदान में है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। हमसे बात की, रेडियो 15 से बात की उन्होंने, आपने सुना। और कुछ कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। आप आपकी बार 400 पार जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। पप्पू यादव फरिश्ता आदमी है, आप कह रहे जीतेंगे। हमको शांति और अमन चाहिए पूर्णिया में। अभी जैसे शांति है 10-15 साल से शांति है, वैसे चाहिए पूर्णिया फिर से। हाँ बस, और कोई ना, जीतेंगे, भारी जीतेंगे भैया। आपकी बार 400 पार, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 400 पार। ये जो रैली आप देख रहे हैं, रोड शो जो है, ये दिखाइए इस तरफ किस तरीके का रोड शो है। ये संतोष कुशवाहा का है, रोड शो लगातार चल रहा है। और पीछे से पप्पू यादव यादव की गाड़ी रोक दी। नहीं, हम लोग कहाँ रोके। तो वो बोले कि वो इल्जाम लगा रहे हैं। गलत बात है, बताइए कहाँ पप्पू यादव की गाड़ी, कहाँ रोक दी है आप लोग। पप्पू यादव का रैली संतोष कुशवाहा रैली में, संतोष गाड़ी रोक दी। जिंदाबाद लोकप्रिय नेता, जिंदाबाद पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। पप्पू यादव के बारे में भी बोलिए ना। देखिए जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। आइए देखिए, हम दिखाते हैं आपको। पीछे से पप्पू यादव की गाड़ी आ रही है, उसको रोक दिया गया और सड़क के ऊपर जो है पूरी तरीके से जाम लग गया है। पप्पू यादव के कार्यकर्ता भी यहीं पर मौजूद, इसी सड़क के ऊपर मौजूद है। थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई थी दोनों पार्टी के बीच। पप्पू यादव का रैली निकल रहा है और क्या, गोविंद साहब को बोलेंगे एक बार पीछे दिखाने के लिए कि ये बस थोड़ी ही दूर पे एनडीए की यानी कि संतोष कुशवाहा की रैली निकल रही है। दोनों चलिए आइए दिखाइए पप्पू यादव की रैली को। क्या हुआ, आमने सामने आ गए दोनों के दोनों। तो हमेशा से संविधान बचाने वाले लोग को आमने सामने आना ही पड़ेगा। जब संविधान बचेगा, सामने ही आके ना बचेगा, कब तक छुप छुप के रहेंगे। और हमारी कुछ बात हुई जेडीयू वाले से, एनडीए वाले से, कह रहे माफिया है, पप्पू यादव नहीं आने देंगे। सही कह रहे, रेमडेसिविर पहुंचाना कोरोना काल में माफिया का ही काम हो सकता है। बाढ़ में हर दौर में खड़ा होने का काम माफिया का ही हो सकता है। अगर गरीबों के, पिछड़ों के, शोषितों के हक की आवाज बनना या उसके काम आना माफियागिरी है, तो पप्पू यादव छोटा माफिया है। करें कि बिहार का एक एक युवा सबसे बड़े माफिया के रूप में उभरे। हम लोग माफिया ही हैं, उनको सही क्या क्या आप क्या बोलेंगे। आमने सामने आ गए यहाँ संतोष कुशवाहा। बीमा भारती का कोई जिक्र नहीं है क्या? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हैं? पता नहीं जानते, हम तो सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं। और ये एक उग्रवादियों का पार्टी जा रहा है उनके,
और तो किन्हीं को नहीं जानते, जिनका आप नाम ले रहे हो शायद लड़ भी ले रही है कि नहीं ले रहे, उनको नहीं पता है उसके बारे में। इसलिए खड़ा कर दिया गया बीमा भारती, नहीं जानकारी है भैया को। 16 करोड़ रुपया किसी को मिल जाए, कोई किसी को खड़ा कर देगा, टिकट बिक रहा है, पैसा देते रहिए और खटाते रहिए। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सामाजिक न्याय के बात करने वाले लोग भी 16 करोड़ में मजदूर की तरह खट रहे हैं। पूर्णिया में 5-5 दिन कैंप करना पड़ रहा है, पंचायत पंचायत सभा करनी पड़ रही है, और उसके बाद जो जिस तरीके का वो अपना स्तर गिरा रहे हैं, अब तो वही बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सोना का चम्मच लेके पैदा हुए थे, कुछ लोग कुछ कुछ कहते हैं, तो हमारी लड़ाई उनसे है ही नहीं, तो हम क्यों उन पे टिप्पणी करें। जिनसे है कहते हैं कि एनडीए को जिता देना, अगर इंडिया को नहीं जिता सकते। आप देख लीजिए, ये सवाल करना चाहिए, जो जिससे डरता है उसका नाम कहाँ लेता है, डर है उनको और बड़ी डर है। पुलिस अभी रोक दिया गया ताकि इनका काफिला थोड़ा आगे, कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं हम, व्यवस्था का। चलिए ठीक है, आइए हम आगे दिखाते हैं आपको, आइए यहाँ पर। ठीक जो है वो कानून व्यवस्था के लिए, ताकि यहाँ पर किसी तरीके का प्रॉब्लम ना खड़ा हो जाए दोनों पार्टियों के बीच में। यहीं पर एनडीए का ऑफिस है पूर्णिया में, देखिए इनको दिखाइए, यहाँ पर यहीं पर एनडीए का ऑफिस है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि पप्पू यादव से भी यहाँ पर बात कर सकें, और जो है पप्पू यादव कार्यकर्ताओं पार्टी के कुछ लोगों यहाँ पर बात करेंगे। आप जो है बने रहिए हमारे साथ।